10.51, चलो ये मान लो ठीक है, थोड़ा कम हीमोग्लोबिन है, ये डिफरेंस इतना नहीं है, पर फिर भी हीमोग्लोबिन कम है। या नीचे देखिए नंबर 26 पर आ रहा है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये देखिए 40 से 150 होना चाहिए और ऑलमोस्ट 190 है ना। अब यहाँ ऊपर देखें आप ट्राइग्लिसराइड, यानी हम बात करें फैट के बारे में, बॉडी में जो एक्स्ट्रा गलत फैट जमा हो रही है, ट्राइग्लिसराइड जो होना चाहिए 50 से 150 और ये 159 है बच्चे के अंदर, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, यानी कि जो लिपिड प्रोफाइल है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, विटामिन डी जो कम से कम 20 होना चाहिए, बच्चे के अंदर 8.3 है, अच्छा विटामिन डी इतना नीचे जा रहा है आप देखिए। अच्छा इसका उल्टा देखें, B12 अक्सर लोगों में कम देखा गया है, यहां पर 911 हाईएस्ट पीक रेट होना चाहिए, बच्चे में 986 है, B12 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। इस कारण से भी कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, डेफिनेटली बच्चा या तो ज्यादा नॉनवेज खाता होगा, नॉनवेज ज्यादा मिलता होगा क्योंकि चलता है इनकी कास्ट में, तो ज्यादा नॉनवेज के कारण भी कहीं ना कहीं B12 बढ़ता है, या विटामिन डी अगर कम जा रहा है बहुत तब भी उस कारण से कहीं ना कहीं B12 बढ़ता है। तो ये पूरा आपका जो घर सिस्टम है, आपका पेट सिस्टम जो है, ये कहीं ना कहीं वहां का डिस्टर्बेंस है।